करने के लिए वो नारी का भेष करके और उस दर्जे के पास में आती है। किस प्रकार से थोड़ा मशीन में तेल काल थोड़ो सूखी पड़ी कई दिनों का काल जम्पर सी में प्रेस कौन करिए कर देख लाइट जाइड थी ले यो किरणा को हूं दे दिए काल सीम के तैयार कर दी। मैंने करे उस छोरे दर्जी के हेलो थोड़ा टेलीफोन कटवा रहे चेक कर। अरे और दर्जी के हेलो दर्जी के खड़े हो आपकी लाइन खराब आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी वो तेरी दुकान का वार्ड नहीं खड़े हो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्या काम था भाई। मैं कह रही हूँ तू बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सूट सिल दे बताया। मारो काम यो है के करा। अच्छा हाँ यही काम है यही काम और कोई काम ही धंधो को नहीं। देखे मारी दुकान 17 सालों चल रही है। ओ पुराना टेलर है फिर तो। कोई भी छोरी सास रजा हूँ से दो महीना पहले सूट का नापा मने देखे जा क्योंकि दो महीना मतलब वह सास रजावे तेरे कन सूट जरूर सिमावे ही सिमावे। बिल्कुल ब्याह पाछा हुआ पन सूट पहले सिमावे तो है ना सिमावे तो पजामो पड़े मिलो यो दे सिमावे सिमावे। अच्छा बावली बात कर रहे हो। मैंने कह रही हूँ मेरी बात सुन। कहिए। मैंने भी अपने ससुराल जाना है। ससुराल जाना है जी। अच्छा और जल्दी से कम टाइम में और अच्छा सा और अच्छी फिटिंग का सूट तैयार कर दे मेरे लिए। फिटिंग का सूट तैयार कर दूं। हाँ जी अभी सूट तैयार कर दूं। थोड़ा इंची दे भाई इंची टेप दे भाई। ये बताओ कौन सा सूट सिमाना है पटियाला अमरेला अच्छा उल्लू बनारस। एक बात बता जी ये पटियाला सूट सुना नाम मैंने अमरेला भी सुना लेकिन ये तीसरा नाम कौन सा था ये फिर ये उल्लू बनारस नया सूट है। अच्छा ये उल्लू बनारस नई नई वैरायटी रखता है तू। देखिए सूट कई प्रकार के होते हैं। अच्छा कोई सूट किधर से पहने जाता है कोई किधर से पहने जाता है। उल्लू बनारस ऊपर से पहने जाता है। अच्छा जी ऊपर से लेके नीचे तक एक ही फिटिंग होती है उसकी 37.5 मीटर 3.5 सेंटीमीटर पूरा पूरा हिसाब रखे है। हाँ जी। अच्छा लेकिन देखे दिखाइए दुकान में सुबह 4 बजे के बाद में मत आना शाम को 8 बजे खोलता हूँ पूरा दिन भर होती है। दर्जी के रात के टाइम में कई बार नहीं जाते। अरे आपकी बात नहीं कर रहा मैं मेरी बात कर रहा हूँ। तो अपनी बात कर रहा तभी तो मैं अपनी बता रही हूँ। बिल्कुल सूट सिम दे 850 रुपये लगेगा। सिमाई की छोड़ तू सूट जल्दी तैयार कर देगा ये या नहीं ये बता। ज्यादा जल्दी तैयार करना है जी और बिल्कुल फिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मैं पहली बार ससुराल जा रही हूँ अपने तो सूट अच्छा लगना चाहिए ताकि वहाँ पे जाके तेरी तारीफ हो। छोरी तू पहला बार ही ससुराल जा रही है बहुत भली छोरी मेरे का नाम तो 5-5 बार जाके पाछा हुए तू पहली बार ससुराल जा रही तन बढ़िया सूट सिम के दे। अच्छा ओ दर्जी के हाँ जी ज्यादा बकवास करने की जरूरत ना है। तू जान दे छोरी कल पिसाए कौन दियाई परसु पजामो शिमा की लगी आज पीछा दे। चल कोई नहीं तू अपने काम में ध्यान दे तन तो सिम के दियो भली छोरी है तू। अच्छा बावली तेरा करूं तुम्हारा बहुत पुरानो रिश्तो है। ओ रिश्तो भी निकाल लियो तो कौन सो रिश्तो है। अरे बावली तेरा पापा ने मैं जानू तेरी मम्मी ने मैं जानू 8 साल से रुपया रोकड़ी दे रहे हैं बापड़ा। अच्छा तेरी मम्मी का सूट भी मैं सिमा कर तो मतलब हमारे घर का पूरा वो रख रहा है तू। आजकल तो आवे ही कोने बा कठरे। अच्छा रे बावली इतनी भली बीरबानी तेरी मम्मी जब मैं थारा घरा जातो। मेरी मम्मी तो घनी भली बीरबानी है उसका जिक्र छोड़ तू। जब मैं थारा घरा जातो तेरी मम्मी गरम गरम रोटी चूल्हा पे पहुंचती है भगवान। तेरी मम्मी पोया जाती मैं गोया जाता दो छाता गिलासिया भर के देती खा के नहा लो जाता बहुत भली अच्छी मेहरबानी। लेकिन अब तने काफी दिन तक मिली ना है। अच्छा तू बता क्या करना चाहूं। मेरी बात सुन ले क्या करना चाहूं। बोल सुनिए मेरी बात हो ले 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 रे
वैली ले 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 रे ओ दर्जी के नाप मेरे गाती गां दो मिनट सरो गेड़ा दुकान और सुन लेके गाना चाहूं बोल ता ताले बोल ओ ले 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 रे ले 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 रे ले 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 दर्जी के नाप मेरे गात का मेरे बाद का जाइए सासरे मेरे हाथ का सूट पहन के जाइए सासरे मेरे हाथ का ओ हो हो स्टाइल हो है नाप देने का तो तेरा तो स्टाइल है और बड़ा मेरा भीतो को ना ऊपर नीचे तक ले तेरा दिमाग जो है वो थोड़ा सैड सैड था मैंने थोड़ा नृत्य करके दिखाया ताकि थोड़ा खुश हो जाए अच्छा नृत्य कर रही है इस कारण तू नाप अच्छे से लेगा कोई दिक्कत ना आएगी सूट को खराब नहीं करेगा मैं देखो भीतो काटे कोई छोरी पले उछल पड़ी थी ले बता और क्या कहना चाहो सुन ले दुकान थोड़ी थी बाजार में नारी गई सुरचंद की दुकान पर बढ़िया सूट मिले बड़ी छोरियां में बाजार से ही लाया जाए सूट बाजार में गई जी बहुत बढ़िया सुन ले मेरी बात बता फड़वा के बाजार थे मैं फड़वा के बाजार थे मैं महंगा लत्ता लाई महंगो लत्तो लाई जी और इतना महंगा लत्ता है अगर तने खराब कर दिया तो तेरी खैर नहीं है कतरी बिल्कुल ही कोनी करूं अरे घबरावे ना क्या अरे घबरावे ना हाँ घबरावे ना घबराओ कतरी नहीं अरे घबरावे ना घबरावे ना अरे घबरावे ना छोरी तेरी कर दू मन की चाही अभी तक गराय तो ठीक है पर कंची चाल जितने फेरा पटको
कड़ा मांगो सूट लिया कंची मेरे ऊपर थोड़ी चालेगी कपड़े ऊपर चालेगी तो तू थोड़ी अच्छा बता बता बेटा कह रहे आइए बजा के बिल्कुल सही ना अगर सूट में जरा सी भी दिक्कत होगी दिक्कत तो हो? फिर देख लिए सूट में जमाई दिक्कत को नहीं हो पावड़ी चिंता मत कर म्यूजिकल ग्रुप वालों सुन ले मेरी बात बोल छोरे ना ऊपर ना नीचे छोरे मीटर ठीक लगाइए आगे पल्ला क्या आगे पल्ला यो आगे पल्ला पल्लो लटी कर हमारा पल्लो मन ने कहा था कि तू छोरी मैं तेरे सूट को नहीं सिलू तू नौकर लेकिन तू मेरे तो भी पागल फंसा मेरे एक काल सूट सी में हूं को पल्लो बडोग अच्छा वो तेरा अभी तक ध्यान में घूम रहा है ये वो भोगाने की भूख हो हार भाईड़ी बाबी पोलो पूरे तक को घूंघट रुका दिया अच्छा दूध मेरे वो गाड़ो याद आ अच्छा तेरे भगवान ने की वो दिमाग में आ गया पर सुन कहले ओनली लेडीज टेलर हूं मैं सब लेडीज आती मेरे पास हां मुझे पता है सभी लेडीज की चेकिंग तू ही करता है हां कहिए क्या बात करना चाहते हैं ना ऊपर ना नीचे छोरे ना ऊपर ना नीचे छोरे मीटर ठीक लगाइए आगे पल्ला अरे सूट का इसने ऊपर ठाइए आगे पल्ला अरे सूट का इसने ऊपर ठाइए कितनी नाचे और मेरी दुकान में वैसे कसर तने भी ना छोड़ा कि अरे बहुत लड़कियां नाच के चली अपनी बात के कह रहा था अभी जो कह रहा था वो कह सारा सारा बहुत अच्छा काम करती हो तुम अच्छा डांस करती हो घर पे क्या क्या करती हो बताओ तुम अपनी बात कहो घर पे मैं पता नहीं क्या क्या करती हूँ तुम क्या करोगे पूछ अरे घर में क्या काम नहीं होते एक लड़की के लिए बहुत अरे घर में क्या नहीं होता ये पूछो घर में गोबर गेरा करे घर में सब कुछ होता है तुझे बताऊंगी दूध काढ़ा करे बिलोया करे सब कुछ करती हूँ रोटी पोया करे सब कुछ करती हूँ सब कुछ करती हूँ सब कुछ में यानी सब कुछ बहुत अच्छी बात काम करना सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है तभी तो सेहत तभी तो इतना काम मत करा कर छोरी क्यों अरे सारा सारा दिन तुम काम करोगे सारा सारा दिन
कम दे रही, तू सूट में टाइम लगे कम से कम। अच्छा दो चार दिन तो चल, कोई नहीं तू अपना टाइम ले। अच्छा हाँ, लेकिन टाइम के बाद अगर तूने कुछ गड़बड़ की ना तो फिर देख लेना तुम्हारा क्या होगा। बेटा मैं कम तो किमी गड़बड़ हो, कोनी आके जाके हो जाओ तो मेरी गारंटी को नहीं। गड़बड़ आप ही दुकान में ही ठीक करांगे, क्योंकि मैं सूट पहले पहन के मैं जब तक सीमता हूँ बहुत परफेक्ट सीमता हूँ। अगर तुम सही सीमते हो तो मैं भी अपना काम टाइम पे करती हूँ। जब तुम सील दोगे मैं पहन के देखूंगी अपने सूट को। पहन के देखेंगे जी। चलो इधर काउंटर में देखो जाके, इधर नहीं देखने का बात वो बताओ आप कहने के। पहले सिलो तो सही, बाद में देखूंगी मैं, मेरी मर्जी कहीं भी देखो। अच्छा हाँ, लेकिन और... आपको कैसा सिलना है सुनिए मेरी बात। हाँ बताइए क्या कैसा सिलना बताते। टाइट फिटिंग का सूट सिल दे, टाइट फिटिंग का सूट सिल दे, नए डिजाइन का। नई डिजाइन का बिल्कुल, और ऐसा डिजाइन घेर दिए कि जब तक आज तक किसी के सूट में ना डला हूं। बिल्कुल बड़े बड़े फूल लगा। जब मैं अपने ससुराल जाऊं तो सबनों कहे यो सूट किस पे सिलाया, तेरी तारीफ ही तारीफ हो। अच्छा हाँ, ससुराल जा जाए काम कर बस काका सूट टांग के जाइए तो मेरा बेटा खूब देखेगा तने। और एक मेरे कानों में एक काम और करिए। कौन सा काम? तने तो भली बात बताऊं बेटा, मैं कहने को बताइए की बात आज तक। चल मेरे को बता। तू जब भी ससुराल जाने हाँ? मेरी बात मानिए बेटा, जब भी ससुराल जाता नहीं न्यारी। एक मिनट रुक मेरी बात सुन, तू बड़ा जोर का दर्जी बेटा बेटा कर रहा है और सारा काम निकाल रहा है अभी तक। मेरी बात ज्ञान की सुनिया कर छोरी, जाता नहीं मेरा बेटा न्यारी हो जा। दूसरा काम, सुबह उठ के आ डोली के ऊपर मुंडो धर के सबत काम की लुगाइन गाड़ कर दिया कर। तीसरा काम, तेरी सासू का सिर मत दे जाता नहीं बट गड़ी। दर्जी क्या बड़े अच्छे काम सिखा रहा तू, अपने काम से काम रख। और पाछा मेरा बेटा एक काम करिए, तेरा बोरिया बिस्तरिया टूम ठेकरी चप्पल हाथ में ले लिया, गठड़ी बांध के चाल पड़िए। फिर पाछा बेटा कोई डूंगो सो कुओ दे के। फिर पाछा मेरा बेटा हूँ का मैं पड़ गया। फिर मैं देख ली हूँ सॉरी जीव एक मर रहे थे। फिर के इतना काम तू बड़ा खुश हो रहा है मैंने मारने में राजी है तू। काम ही है का कर मेरी बात सुन ले। और कदे नया सीमावर कदे वेलकम वाला सूट सीमावर बिल्कुल सीधो पैर के जाए कर भला कराई छ। सीधे नहीं पहनते क्योंकि गांव में रहते तब सीधे पहनते, ससुराल में नए नए डिजाइन के चाहिए। डिजाइन जी बिल्कुल। तू बात कर रहा है वो छोरी ससुराल जान लाग रही जो की मारो को बाबू रो वो सारा घर का रो। एक छोटी सी छोरी बोली बापू देख सब रोए जीजो को नहीं रो। बोलो बेटा ये बेबेर हम तो इब रो के रह जाओ जीजो जिंदगी भरी रो को। तो किसा सूट पर है बावली जिंदगी भर सूट चाहे कोई भी रोए हम तो ऐसे ही सूट पहने। चल बता बता के कहने चाह जल्दी से। घबरावे ना तेरा बट गया तेरे मिजाज का। घबरावे ना तेरा बट गया तेरे मिजाज का। सूट पहन के चले सासरे मेरे हाथ का।
दर्जी के नू नापा लेवगा, इतनी दूर दूर भागेगा तो नापा कौन लेवगा? उरे नापा बड़को तेरो नापो भाग जाओ छोरी देखी तेरू तड़ा तड़ा अभी तो आपने देखा ही क्या है तू कौन सी स्कूल में जाकर छोरी स्कूल जाते ही नहीं हम जदी करही है स्कूल में जाती तो और ज्यादा करती तू ये तो वही है जो स्कूल में गई तब तक सीखा है आगे का तो आपने कुछ देखा नहीं अभी भला करा कि छोरी लागे मन तू चला गया ही। और बता सुनिए मेरी बात सुना सेठ पाल से रावत सुन मैं सेठ पाल से रावत सुन मैं तन्ने राजी कर दूं अच्छा अरे सूट के जबका क्या क्या कर देगा सूट क्या पूछा मैं बता दूं तू के कह रहा है वही बता वही पूछ रही हूं सेठ पाल सहरावत सुन हाय सेठ हां यही हां ये बात तो मैं बाद में बताऊंगी अभी तू बोल रहा था वो बोल पहले मैं तना कौन बोला अच्छा बोला नहीं बोलने भी को नहीं मैंने मैंने बोल दिया कि हल्का मैं थोड़ा सुन मेरी बात अनिजाड़ी मारे लो मारो मत इतने बैठी बाहू सेठ पाल से रावत सुन मैं सेठ पाल से रावत सुन मैं तन्ने राजी कर दूं सूट गजब का क्या सूट गजब का ही करना है बिल्कुल गजब का तन्ने सुने भी धीरे धीरे मन्ने बड़ा जोर को सुने अच्छा इतनो धीरे बोले आप अच्छे भी सुन जाते ये तो कुछ भी कोनी तू ही तो धीरे बोले तू भी सुने आदत पड़ गई तन धीरे सुने घणी जोर की अरे सूट गजब का सीम के तेरा रंग जोपन मैं भर दूं गाड़ी भी तुम्हारी अजीब तरह से चलती है ऐसी गाड़ी चलती है अरे चुक चुक करती गाड़ी चुक चुक करती गाड़ी इंजन की आवाज छिल्ली सो जोर को झटको लाग्यो आपू चो यो टिटी